नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम जोड़ और घटाव से संबंधित प्रश्न पहेलियां बनाना सीखेंगे। आज कैफी और उसके दोस्तों को स्कूल में टॉफियां मिली हैं। सभी को टीचर ने दो टॉफियां खाने के लिए दी। जोई ने अपनी एक टॉफी कैफी को दे दी। अब कैफी के पास तीन टॉफियां हैं और सनी के पास दो टॉफियां। कैफी ने सनी के पास जाकर कहा, सनी ये देखो, मुझे जोई ने अपनी एक टॉफी दी है और अब मेरे पास कुल तीन टॉफियां हैं। तुम्हारे पास कितनी टॉफियां हैं? मेरे पास तो दो ही टॉफियां हैं। दोनों आपस में बात कर रही थी कि वहाँ क्रॉक आ गया और उसने कैफी और सनी से पूछा कि क्या वो दोनों एक प्रश्न से प्रश्न पहेलियां बना सकती हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। अच्छा, तो इस प्रश्न से एक प्रश्न पहेली बनाओ। कैफी के पास तीन टॉफी हैं और सनी के पास दो। कैफी और सनी सोचने लगते हैं। यदि कैफी के पास तीन टॉफी हैं और मेरे पास दो, तो हम दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां हुई हैं? क्या बात है सनी, तुम्हारी प्रश्न पहेली बिल्कुल सही है। तुमने इस प्रश्न में जोड़ की प्रश्न पहेली बनाई है। जोड़ के सवाल बनाने के लिए हम कुल वस्तुओं की संख्या जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। मैंने भी एक प्रश्न पहेली सोची है। बताओ कैफी, तुमने क्या सोचा है? यदि मेरे पास तीन टॉफी हैं और सनी के पास दो, किसके पास ज्यादा टॉफी है और कितनी ज्यादा? तुम्हारी प्रश्न पहेली भी बिल्कुल सही है। तुमने घटाव के प्रश्न की पहेली बनाई है। हम घटाव का प्रश्न बनाने के लिए कितनी ज्यादा, कितना अंतर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मुझे भी एक प्रश्न पूछना है और मैं चाहती हूँ कि क्रॉक, तुम और कैफी मेरे इस प्रश्न से एक प्रश्न पहेली बनाओ। मेरा प्रश्न है, कैफी की लंबाई 6 इंच है और क्रॉक की लंबाई 4 इंच। बच्चों, क्या आप इस प्रश्न से जुड़ी एक प्रश्न पहेली बनाने में क्रॉक और कैफी की मदद करेंगे? आपने बिल्कुल सही सोचा। इस प्रश्न से हम घटाव से जुड़ी एक प्रश्न पहेली बना सकते हैं। यदि कैफी की लंबाई 6 इंच है और मेरी 4 इंच है, तो कैफी और मेरी लंबाई में कितना अंतर है? बच्चों, है ना ये मजेदार? अब आपकी बारी है स्क्रीन पर दिए गए प्रश्न से एक प्रश्न पहेली बनाने की। बबलू के पास 5 रस्सियां हैं, अप्पू के पास 3 रस्सियां हैं। इस पहेली से प्रश्न पहेली बनाकर अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने 10 तक जोड़ और घटाव से संबंधित प्रश्न पहेलियां बनाना सीखा।